हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पी एंड स्पोर्ट्स। और एक बार फिर हम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दो और टॉपिक्स आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत साधारण क्वेश्चंस के रूप में। ज़रूर यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट आते हैं, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं कुछ ऐसे खेल जो हम आमतौर पर भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो उसके हमें याद रखने के लिए एक ये स्लाइड जो है वो आपको काम करेगी, जहाँ पे बास्केटबॉल से शुरुआत होती है, जहाँ पे पांच खिलाड़ी खेलते हैं। ये हम सिर्फ प्लेइंग खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे मैदान में एक टीम की तरफ से खेल सकते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी एक टीम के होते हैं, बैडमिंटन में या सिंगल्स या डबल्स होता है, ऐसे ही जो टेनिस है उसमें भी सिंगल या डबल, स्क्वैश में भी आपको एक और या दो खिलाड़ी के रूप में आपको सिंगल या डबल वहाँ पर मिलेगा। टेबल टेनिस में भी सेम होगा। उसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये तीन खेल ऐसे हैं जिसमें 11 11 खिलाड़ी एट ए टाइम खेलते हैं। हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं। इसी के साथ साथ वाटर पोलो भी कई बार मिस किया जाता है, तो वहाँ पर 7 खिलाड़ी आपके लिए आप प्लेइंग सिचुएशन में वो आप टिक लगा सकते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी कुल एक बार में खेल सकते हैं। आगे अगर हम दूसरे टॉपिक के आज इस जाएं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा नेम ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट प्ले ग्राउंड। कई बार किस खेल के मैदान को क्या कहा जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड उसे कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रैक के इवेंट हैं, जो रेसेस बेसिकली जो होती हैं, उसके साथ साथ जो फील्ड के इवेंट्स हैं जो कि ट्रैक के अंदर वाले पार्ट में होता है, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे वो जितनी भी थ्रोइंग इवेंट हो, चाहे वो जंपिंग इवेंट हो, वो सब के लिए ट्रैक एंड फील्ड उसे बोल दिया जाता है। बेसबॉल में डायमंड उसे कई बार कहा जाता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द फील्ड, जो कि बेसबॉल का मैदान होता है उसके शेप जो है वो डायमंड की तरह होती है, इसलिए उसे डायमंड भी कहा जाता है, और साधारणतः बेसबॉल फील्ड भी कह सकते हैं। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस और कबड्डी के जितने भी अगर हम प्ले फील्ड की बात के बात बात करें प्ले ग्राउंड के बारे में, तो उसे कोर्ट कहा जाता है, ये भी सिंपल सी बात है। उसके अलावा बॉक्सिंग, रेसलिंग में रिंग बोला जाता है, ये भी काफ़ी साधारण क्वेश्चन होता है। क्रिकेट में पिच होती है, वैसे तो ओवरऑल क्रिकेट ग्राउंड होता है, लेकिन जहाँ पे बॉल जो है खेला जाता है उसको टर्फ या पिच बोला जाता है। बेसिकली जो टर्फ है उसे पिच कहा जाता है। साइकिलिंग में वेलोड्रोम उसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर्स में। फुटबॉल में फुटबॉल पिच भी कह सकते हैं, ग्राउंड भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। गोल्फ में कोर्स कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आइस हॉकी और स्केटिंग में रिंक कहा जाता है, तो रिंक भी आपको ध्यान रखना है, आइस हॉकी में भी और स्केटिंग में भी, दोनों में रिंक उसे कहा जाता है। हॉकी के मैदान को पहले से फील्ड कहा जाता है और अब जो है वो पिच भी कहा जाने लगा है, तो कई बार पिच भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, पर नॉर्मली हॉकी फील्ड ही बेसिकली हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट के प्ले ग्राउंड हैं वो यही हैं, जहाँ पे रिंग की बात करें, रिंक की बात करें, कोर्ट्स की बात करें और वेलोड्रोम की बात करें, और बेसबॉल के मैदान की जो शेप की बात मैंने की, डायमंड। तो ये पांच ऐसे हैं जो हमें स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम मालूम होते हैं, तो इनको आप ज़रूर अपने नोट्स में ज़रूर इनको लिख लें। तो फिलहाल के लिए ये दोनों टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की थी, और भी आपके लिए वीडियोस पहले भी आते रहे हैं, आगे भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट आप खोल कर देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। वहाँ हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो अभी आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है MBBS का, चाहे UPTGT का, और चाहे तो हम राजस्थान PTI की अगर हम बात करें, तो ये सारे वैकेंसीज के लिए आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने नोटबुक में इनको नोट करते चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।